हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राजशेखर। तो यार, मैंने ये वीडियो बनाने से पहले आप लोगों से पोल में एक सवाल पूछा था कि भाई मैं आज एक ऐसी मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। वो एक इंडियन मूवी है और इसको आईएमडीबी ने 8.1 की रेटिंग दी और ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है सो एंड सो इंडस्ट्री की। तो बहुत से लोगों ने लव मॉकटेल बोली, बहुत से लोगों ने एएसएन बोली और बहुत से लोगों ने जय दी द बॉस बोली, यानी कि जो चैलेंज सर दर्शन सर की मूवी बोली। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं आज इस फिल्म का रिव्यू कर आप लोग थंबनेल से तो देख चुके होंगे, ये एक मलयालम मूवी है जिसका नाम है वायरस। ये मूवी को वाकई में आईएमडीबी ने 8.1 की रेटिंग दी, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है। और इस मूवी की कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवी एक वायरस आउटब्रेक के ऊपर, यानी कि आप लोगों ने इंग्लिश मूवी द कंटेजन देखी होगी या तो फिर द फ्लू एक कोरियन मूवी देखी होगी, तो उसमें किस तरीके से वायरस के बारे में बताया गया, किस तरीके से वायरस जब आउटब्रेक होता है तो वहां के लोग किस तरीके से पैनिक करते हैं, किस तरीके से डॉक्टर लोग उनकी हेल्प करते हैं और क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, वो सब आपने उन फॉरेन मूवीज में देखी होगी। लेकिन अब बारी हमारे इंडियन मूवी की, और पर्सनली मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे इंडिया में भी इस तरीके की फिल्म बन सकती है जो कि हॉलीवुड वालों को टक्कर दे सके। स्टार्ट से लेकर एंड तक मेकर्स ने यही बताया कि उनको बताना क्या, और एक्चुअली इसमें जो निपा वायरस के बारे में बताया तो मैं आपको बता दूं, निपा वायरस सबसे पहले हुआ था मलेशिया में 1998 में, जहां पर कुछ लोग इन्फेक्टेड हुए थे और उसके बाद बहुत सारी जाने गई थी वहां पे। खैर, वहां पे किसी तरीके से इस वायरस को कंट्रोल किया गया, लेकिन ये वायरस रुखा नहीं, ये फिर सिंगापुर वाले लोगों को हुआ, फिर इंडिया, बांग्लादेश, और इस वजह से इन सारी कंट्रीज में काफी लोग मारे गए वायरस है जिसका नाम है निपा वायरस। खैर, 2018 में केरला में ये वायरस फिर से आउटब्रेक हुआ था और ये वायरस आउटब्रेक होने की वजह थी चमगादड़, यानी कि बैड। उसके बाद ये वायरस किस तरह से फैला, फिर कैसे 17 लोग इस वायरस से मारे गए और कैसे क्या कुछ सिचुएशन हुई थी, किस तरीके से डॉक्टर और नर्स और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी सिचुएशन को संभाला था, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ी जिसका नाम है वायरस। यहाँ पर ये मूवी देखने के बाद मैं तारीफ करूंगा इनके मेकर्स की, जो स्टार्ट से लेकर एंड तक इतनी ग्रिपिंग स्टोरी के साथ एक इमोशनल फील भी जो इसमें डाले वो एकदम कमाल का। उसके अलावा बहुत कुछ ऐसी चीजें जो इस फिल्म में बताई मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँ क्योंकि वो स्पॉयलर्स हो जाएगी। मैं बस इतना कहना चाहता कि फैमिली के साथ बैठ के कुछ अच्छी चीज देखना है तो कुछ ऐसी फिल्म जो हमारे इंडिया वालों ने बनाई जिसपे हमको प्राउड है, गर्व होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप वायरस फिल्म देखो। और साथ साथ इस फिल्म के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो मैसेज ये है कि मैं काफी वीडियोस देख रहा हूँ जहाँ पर डॉक्टर और नर्सेस पे कुछ लोग बेहूदगी बदतमीजी कर रहे हैं, तो मैं उनको इतना बता दूं कि देखो सब अल्लाह के हाथ में, चाहे बीमारी हो या शिफा देना हो सब अल्लाह के हाथ में, लेकिन एक जरिया अल्लाह हमेशा किसी न किसी को एक जरिया बनाते। तो ये जो डॉक्टर और जो नर्स है ना, ये जरिया है। अगर आप कल को कुछ बीमार हो जाए, तबियत खराब हो, तो आपका इलाज कौन करता है? डॉक्टर लोग करते ना, हम अल्लाह से दुआ करते, लेकिन जो जरिया होते हैं वो तो डॉक्टर होते हैं। तो ये सब फालतू के जो वीडियो सारे जो लोग डॉक्टर को मार रहे या नर्स के सामने अपने कपड़े उतार रहे, तो मैं उससे इतना बोलूंगा, चूतिए लोग ये सब चीजें मत करो, क्योंकि ये जो सिचुएशन है हमारे देश में जो कोरोना वायरस की, बहुत ही ऐसी स्टेज पे हम लोग की, अगर हम लोग नहीं संभालेंगे तो क्या हो जाएगा आपको समझ लेते हैं। और फाइनेंशियली तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जो इंसान की जान का नुकसान हो रहा है, जो लोग अपनों को खो रहे इस वायरस के थ्रू, वो तुम लोग उसका कीमत भी नहीं लगा सकते। तो जो डॉक्टर और नर्स जो कर रही ना, उसको मतलब सपोर्ट करो, और प्लस जो हमारी गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करो, और इस तरीके की वायरस से बचो, और ये घर में बैठ के फिल्म देखो ताकि कुछ सीखने भी मिलेगा। प्लस जो इस वायरस के जब शिकार होते हैं लोग, तो वो उनकी तकलीफ क्या होती है वो आपको इस फिल्म में देखने मिली। प्लस वो जो उनके अपने, जब अगर किसी को वायरस हुआ उसकी माँ देख रही, उसको तो उसकी माँ को क्या फील होता है, उसके हस्बैंड को क्या फील होता है, उसके बॉयफ्रेंड को क्या फील होता है, उसके भाई को क्या फील होता है, वो सब चीजें आपको इस फिल्म में देखने मिलेगी और कुछ बहुत कुछ सीखने ही मिलेगा। तो यार, बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। ज्यादा टाइम नहीं ले तो माफ करना, ये मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो से मिल जाएगी विद इंग्लिश सबटाइटल। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, अगर आपको मलयालम समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी एक बार इस फिल्म को देखो और अप्रिशिएट करो इस फिल्म के मेकर्स को, प्लस एक्टर्स को, जिन लोगों ने बहुत ही शानदार काम करके दिखाया, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, सब कुछ अच्छा है। तो बस यार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शायद रेसल मैंने 36 का वीडियो बनाऊंगा, या तो फिर एएसएन या केजीएफ, देखते कुछ भी मूड होगा तो बना देंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे कल किसी नए वीडियो में। दुआ में याद रखना।